बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने 12 जुलाई 2024 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड राधिका मर्चेंट संग धूमधाम से शादी रचाई थी, जिसकी झलकियां अब तक सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अनंत और राधिका की शादी से लेकर शुभ आशीर्वाद समारोह तक में दुनिया ने भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को देखा। हालांकि ये फेमस आर्टिस्ट जयश्री वर्मा द्वारा हाथों से पेंट किया गया राधिका का लहंगा था, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में जयश्री बर्मन ने खुलासा किया कि उन्हें जून में जूम कॉल पर राधिका मर्चेंट के लिए हाथ से लहंगा पेंट करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। इसके लिए उनकी स्टाइलिस्ट रिया कपूर ने उनसे संपर्क किया। उनके पास इसे बनाने के लिए सिर्फ एक महीने का समय था। दरअसल राधिका की पर्सनल रिक्वेस्ट पर वो इस लहंगे को पेंट करने के लिए तैयार हो गई। राधिका ने जयश्री से कहा था कि उन्हें उनका काम बहुत पसंद है। ऐसे में उन्होंने आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जयश्री आंटी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। मेरे जामनगर वाले घर में आपकी पेंटिंग है, ये बहुत अच्छी लगती है। जयश्री ने आगे कहा कि वो राधिका के लिए कपड़े पर हाथ से डिजाइन नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि एक प्यारा सा दिल का एक टुकड़ा बनाना चाहती थी और ये उनकी एकमात्र शर्त थी। उस पल को याद करते हुए जयश्री ने कहा, मैंने उनसे कहा कि ये कला का एक नमूना होना चाहिए। अगर मैं राधिका के लिए कुछ बनाती हूँ, अगर वो इसे पहनने जा रही है, तो ये कला का एक नमूना होना चाहिए, ये कपड़े पर डिजाइन नहीं होना चाहिए। राधिका मर्चेंट की कलर चॉइस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कोई हरा या पीला लहंगा नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि उनके पति अनंत अंबानी और उनकी सास नीता अंबानी को ये रंग पसंद नहीं है। इसीलिए आर्टिस्ट ने पिंक कलर को चुना, क्योंकि वो जानती थी कि अंबानी परिवार को ऐसे ही कलर पसंद है। दुल्हन के शब्दों को याद करते हुए जयश्री ने साझा किया, अनंत को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, नीता जी को येलो पसंद नहीं है, इसीलिए प्लीज कोई दूसरा रंग चुने, एक बहुत ही हैप्पी कलर। इस लहंगे को पेंट करने के लिए डिजाइनर जोड़ी अबू जानी और संदीप खोसला ने उन्हें एक अच्छी क्वालिटी का इंडियन कैनवस भेजा था। साउथ दिल्ली बेस्ड अपने स्टूडियो में जयश्री ने पूरे एक महीने तक रोजाना 16 घंटे इस कपड़े पर पेंटिंग करना शुरू किया और इसका रिजल्ट राधिका का खूबसूरत लहंगा था। फिलहाल शुभ आशीर्वाद फंक्शन में पहने गए राधिका के इस लहंगे के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।